अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आज मुझे एक फ्राडिये ने बैंक का नुमाइंदा बन के कॉल की। हमारी कॉल के दरमियान क्या बातें हुई वो भी आप सुने। उससे पहले आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों का कोई भी दीन ईमान नहीं होता। इनको अपने मुल्क की इज्जत और वकार की भी परवाह नहीं होती। इनका मुल्क, दीन, ईमान सब कुछ इनके लिए पैसा ही होता है। तो अगर आपको भी कोई कॉल आ जाए तो कभी भी बैंक आपको कॉल करके आपसे आपके अकाउंट की डिटेल यानी कि आपका डेबिट कार्ड नंबर वगैरह, आपके मोबाइल पे कोई कोड आए आपको ये नहीं बोलेगा कि ये कोड सेंड कर दें, एटीएम कार्ड का नंबर सेंड कर दें, या फिर अपना इकामा नंबर, या फिर ऐसी कोई भी चीज़, या अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बताएं। ऐसी चीज़ें आपको बैंक की जानब से कभी भी, और सबसे मेन चीज़ बैंक की जानब से आपको कभी भी ईमो पर कॉल भी नहीं आएगी। ऐसे फ्रॉडिये जो हैं वो ईमो पे कॉल करते हैं और आपसे आपके डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, या फिर बोलेंगे आपके मोबाइल पे कोड आया है, या इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन है आपने कभी भी किसी को भी शेयर नहीं करनी। तो अब आप सुने कि हमारी कॉल के दरमियान क्या बातें हुई। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। जी सर है, जी कार्ड है तो सर उसको लाजम अपडेट करवा लें। अपडेट नहीं करवाएंगे आपका कार्ड बंद हो रहा है सर। बोली सर कार्ड को अपडेट चालू रखना है, बंद करवाना है सर। सर अपडेट कैसे करवाना है? अभी सर अभी आपको बैंक की तरफ से भी आपको ओनली दो मैसेज आ जाएंगे, आपका कार्ड अपडेट हो जाएगा सर। अभी अपने इकामा नंबर अपना बोलना है, क्योंकि सर आपको पता है बैंक के नेम चेंज होने की वजह से एटीएम कार्ड इधर से अपडेट किए जा रहे हैं सर। अभी जस्ट ओनली अपना इकामा नंबर बोल दे सर। क्या इकामा नंबर है आपका? सर आप बैंक से बात कर रहे हैं तो इकामा नंबर आपको पता होगा ना, प्लीज आप मुझे कंफर्म कर दें। सर मेरी बात सुन लें, सर मेरी बात सुन लें, ये अभी इकामा नंबर रिकॉर्डिंग करवाना पड़ेगा। अभी आपको बैंक की तरफ से अभी आपको दो मैसेज आ जाएंगे, आपका कार्ड अपडेट हो जाएगा सर। सर आप इकामा नंबर कन्फर्म कर लें। जी नंबर बोले 24 24, एक मिनट में चेक कर लूँ। जी 2476। जी चेक कर लूँ। 2476 56 56 56 89 9 23 23। ओके सर अभी वेट कर लेते हैं, इंशाल्लाह अभी आपको बैंक की तरफ को सर इंशाल्लाह कार्ड अपडेट हो जाएगा सर। तो मुझे बता दे कार्ड को कितने साल के लिए अपडेट करवाना है सर? एक साल के लिए, साल के लिए सर? सर 5 साल के लिए अपडेट कर रहे हैं। जी सर 5 साल के लिए अपडेट कर दें ताकि मुझे बार बार बैंक ना जाना पड़े। ओके सर, ओके सर, जैसे मैं आपका कामा चेक कर रहा हूँ, वेट कर ले 1 मिनट सर। और मेरा भाई कामा नंबर रॉन्ग क्यों आ रहा है आप? सर मेरे पास इस टाइम असल में इकामा नहीं है, मैं थोड़ा बाहर आया हुआ था, तो आप प्लीज कंफर्म कर दें आप अपनी तरफ से। मेरे पास इकामा नंबर रॉन्ग बता रहे हैं आप अपना। आप अगर अपना तवक्कल ना ओपन कर ले उसमें इकामा नंबर लिखा होता है। सर आप कौन से स्कूल में पढ़ते रहे हैं? स्कूल हाई स्कूल में पढ़ता रहा हूँ, पहले नासर के स्कूल में था, अब हाई स्कूल में मैट्रिक की है। सर आप जो से आप जिस स्कूल में पढ़ते रहे वहाँ पे मैं हेडमास्टर था, आपको पता है? आप उसके हेडमास्टर हो, आप उसमें हेडमास्टर हो, ठीक है? ऐसे ही बोलना है। आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने सर, आप जो ऐसे कर रहे हो ऐसे हजारों लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो, तो इसका आपको भी जो है वो उजाला करना पड़ेगा, और आपके जो वालदैन हैं उनको भी इसका भुगतना पड़ेगा, तो क्या फ़ायदा ऐसा करने का? क्या मजबूरियां ऐसी ले आती हैं काम करने पे? हम तो यार इधर सैलरी पे काम कर रहे हैं, जैसे हमें बोलते हैं मेरा भाई ऐसे ही हम कर रहे हैं। आप यकीन मानो अगर आप किसी के साथ धोखा करोगे तो वो वापस पलट के आपकी जानब जरूर आएगा, तो प्लीज मेरे भाई इस तरह आगे आप जिसके साथ ऐसे फ्रॉड करते हो पता नहीं वो बेचारा कैसे उसने पैसे इकट्ठे किए होंगे, कैसे उसके पास वो होंगे, आप इस तरह का काम करके उसके निकाल लोगे, वो बंदा क्या करेगा मजबूरन? भाई मेरी बात सुने, शाम को यार रोटी पता नहीं कैसे पकती घर में, यार क्या करें, हमारी मजबूरी है यार, क्या करें यार, 1100 रियाल पे काम कर रहे हैं भाई। आप शायद आप 1100 पे कर रहे हैं, जो दूसरा बंदा है वो शायद उसकी 500-600 सैलरी हो, तो वो क्या करेगा अगर आप उसके निकाल लेंगे सारे? तो प्लीज खुदा रहा यार ऐसा नहीं करो भाई, कसम से इधर मसलन के मुझे उन आदमी ने जिन्होंने लिया है ना
आप जो आपको ऐसा करने के लिए बोलते हैं आप उसको जवाजात को रिपोर्ट करें ना, पुलिस को रिपोर्ट करें, शुरते को रिपोर्ट करें जो आपके साथ ऐसे बोलते हैं ऐसे करने के लिए आपको। भाई क्या करें, मजबूरी है, उन्होंने लाया हमें पाकिस्तान तो क्या करें भाई। आप कौन से मुल्क से हैं? पाकिस्तान से हूं भाई। नहीं बदनाम करो यार अपने मुल्क को यार, कसम से क्या करें यार, मेरी भी मजबूरी यार, मैं क्या करूं। इसमें किस चीज की मजबूरी है यार, ये कौन सा दो नंबर काम करने में मजबूरी होती है। चलो सही है, अल्लाह हाफिज यार। उन्होंने